नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हिस्ट्री ऑप्शनल की आज की इस कक्षा में हम पिछली चर्चा से ही आगे बढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने आपके साथ चर्चा की थी, हम हिस्ट्री ऑप्शनल के संबंध में जो आपका सिलेबस है उस पर चर्चा कर रहे हैं। अब इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। आपके जो क्लास है उसमें हिस्ट्री ऑप्शनल के संबंध में जो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम है और उसका जो पेपर वन है और पेपर टू है, ये दो पेपर जो हैं इसमें रहते हैं, जिसमें पेपर वन के संबंध में क्या सिलेबस में शामिल है उस पर हमने पिछले दो वीडियो में चर्चा कर ली है। जैसा कि आपको पता ही होगा, आपने वीडियो देखा होगा कि पेपर वन में मुख्य तौर पर प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, इन दोनों से संबंध में क्वेश्चन पूछा जाता है और साथ ही साथ इसमें मैपिंग का पोर्शन भी इम्पॉर्टेंट रूप से रहता है। तो पेपर वन का पूरा सिलेबस डिस्कशन हम आपके साथ कर चुके हैं। अब हम क्या चर्चा करेंगे, तो हम चर्चा करेंगे पेपर टू के सिलेबस डिस्कशन पर। तो चलिए देख लेते हैं कि पेपर टू में आपका क्या शामिल है। तो जब हम हिस्ट्री ऑप्शनल के पेपर टू की बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि हिस्ट्री ऑप्शनल के पेपर टू में मूल रूप से दो महत्वपूर्ण विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक भाग का जो संबंध है वो आपका आधुनिक भारत से है, जिसमें आधुनिक भारत और स्वतंत्रता के पश्चात भारत, जिसको अंग्रेजी में पोस्ट मॉडर्न इंडिपेंडेंस बोला जाता है, स्वतंत्रोत्तर भारत कहा जाता है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला भाग क्या है, पहला भाग है आधुनिक भारत और पोस्ट मॉडर्न इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रोत्तर भारत। और इसका जो दूसरा सेक्शन है वो संबंधित है विश्व इतिहास से, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के संबंध में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी आपके पेपर दो में कौन मोटे सेक्शंस हैं, मॉडर्न इंडिया और पोस्ट मॉडर्न इंडिपेंडेंस, और सेकंड सेक्शन है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न इंडिया और पोस्ट मॉडर्न इंडिपेंडेंस में सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है इस पर आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं, और इसको हम इस तरीके से चर्चा करेंगे ताकि आप काफ़ी आसानी से मॉडर्न इंडिया के सिलेबस को समझ सकें। तो चलिए देखते हैं क्या क्या शामिल है। हमने जो पिछली क्लास में आपके साथ चर्चा की थी उसमें आप ध्यान रखेंगे कि हमने आपको कहा था कि जब हम पेपर टू के सेक्शन टू की बात करते हैं तो इसमें मोटे तौर पर मिडिवल इंडिया का जो सिलेबस है वह आपका 13 सेंचुरी से शुरू होकर 18 सेंचुरी तक चला जाता है। और जो 18 सेंचुरी है वो भारत में एक ऐसे संक्रमण काल के रूप में देखने को मिलती है जो एक तरफ तो मध्यकालीन प्रवृत्तियों की समाप्ति की तरफ जा रही है और दूसरी तरफ आधुनिक भारत के आगमन की तरफ आ रही है। तो आधुनिक भारत का जो सिलेबस है वह आमतौर पर कहाँ से शुरू होगा, तो आधुनिक भारत का जो आपका सिलेबस है वो मोटे तौर पर शुरू होता है आपका 18 सेंचुरी से, 18वीं शताब्दी से जो है ये आपका सिलेबस शुरू होता है। याद रखिएगा, ये 18वीं शताब्दी का जो टॉपिक है वो मिडिवल इंडिया में भी है और मॉडर्न इंडिया में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी ये सेक्शन ओवरलैप करेगा पेपर वन और पेपर टू के बीच में, यानी ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों से आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब 18 सेंचुरी में मोटे तौर पर किन किन प्रवृत्तियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन किन टॉपिक्स को इसमें समावेशित किया जाता है, ये समझने की ज़रूरत है। इसमें जो पहला चीज है वो है आपका यूरोपीय कंपनी आगमन, इनके बारे में पढ़ा जाता है। अब ये जो यूरोपीय कंपनी आगमन है, अगर हम काल अनुक्रम के हिसाब से देखें, क्रोनोलॉजिकली देखें, तो मोटे तौर पर भारत में जो यूरोपियन कंपनीज ट्रेडिंग वगैरह करने के लिए आई थी वो 15th सेंचुरी में आई थी। यह 15वीं शताब्दी की घटना है और इस रूप में देखें तो मध्यकालीन भारत में इसका अध्ययन होता है। लेकिन आधुनिक भारत में हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, तो आधुनिक भारत में हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 18वीं शताब्दी तक आते आते ये यूरोपीय कंपनियां भारत पे अपना राज कायम करने के बारे में सोचने लगी, और वो ऐसा कर पाने में सक्षम इसलिए हुई क्योंकि उस समय जो केंद्रीकृत मुगल सत्ता, महान मुगल्स जो हुआ करते थे, वो अब कमज़ोर हो गए थे। तो यूरोपीय कंपनी आगमन में हम कुछ प्रमुख यूरोपीय कंपनियाँ और इनकी उपलब्धियों आदि के बारे में पढ़ते हैं। यूरोपीय कंपनियाँ, इनकी किस तरीके की उपलब्धियाँ रहीं, इनका किस तरीके से आप कह सकते हैं सत्ता संघर्ष देखने को मिला, इसके बारे में जो है पढ़ा जाता है।
जिसमें मोटे तौर पर ब्रिटिश कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी, डच कंपनी, डैन कंपनी और साथ ही साथ पुर्तगाली, इन सब के बारे में हमारा अध्ययन होता है। इसमें सबसे पहले आने वाली शक्ति अगर कालानुक्रम के हिसाब से देखें तो पुर्तगाली है। 18वीं शताब्दी तक आते आते मोटे मोटे जो सत्ता संघर्ष देखने को मिला वो ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच देखने को मिला, और इनके बीच का जो सत्ता संघर्ष है वो इतिहास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से आप याद रखेंगे, वो कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इसका रिजल्ट क्या निकला? अल्टीमेटली अंग्रेज विजयी हो गए। तो भारत में अंग्रेजों की विजय के क्या कारण रहे, फ्रांसीसियों के खिलाफ जीत के क्या कारण रहे, अलग अलग यूरोपीय कंपनियों के खिलाफ जीत के क्या कारण रहे, ओवरऑल जीत के क्या कारण रहे, या कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे भी क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि आप लिए पूछ ले कि भाई अंग्रेजों के सैन्य कारक क्या रहे विजय के, उन सब पे क्वेश्चन बन जाएगा। तो पहला टॉपिक क्या रहेगा? पहला टॉपिक रहेगा आपका यूरोपीय कंपनी का आगमन। इसमें इनका एक वैश्विक पृष्ठभूमि, किस तरीके से भारत के साथ ये व्यापार कर रहे थे, कौन कौन सी यूरोपीय कंपनियाँ थीं, उनकी उपलब्धियाँ किस प्रकार से थीं, 18वीं शताब्दी में किस तरीके से इनमें सत्ता संघर्ष देखा गया। मोटे तौर पर ये जो सत्ता संघर्ष है वह ब्रिटिश कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच देखा गया, जो कर्नाटक युद्ध के नाम से फेमस है, जिसमें अल्टीमेटली अंग्रेज जीत जाता है। इसके कारकों पे फिर क्वेश्चन बनता है। तो पहला टॉपिक क्या हो गया? पहला टॉपिक हो गया आपका यूरोपीय कंपनी का आगमन। फिर उसके बाद जो इसमें आगे कहानी बढ़ती है, वो कौन सी है? तो वो 18वीं शताब्दी की दूसरी प्रवृत्ति यानी अदर ट्रेंड्स पे है। 18वीं शताब्दी की अन्य प्रवृत्तियों पे क्वेश्चन बनता है। 18वीं शताब्दी की अन्य प्रवृत्तियाँ क्या हैं? तो इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है भारत में विविध प्रकार के क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव। और इसी के समकक्ष मुगल पतन, और ये मुगल पतन देखने को मिलता है मोटे तौर पर कमज़ोर मुगल शासक के रूप में, और इनको जो है हम इतिहास में उत्तरवर्ती मुगल के नाम से जानते हैं, लेटर मुगल के नाम से हमें जानते हैं, जिनका जो काल है वो 1707 से लेकर 1858 तक देखा गया। मोटे तौर पर ये शासन ज़रूर कर रहे थे, 10 से ज़्यादा इसमें शासक हुए, लेकिन स्थिति इनकी ये है कि इनका शासन या तो केवल दिल्ली तक सीमित रह गया, बाद में पालम तक सीमित रह गया, और बहादुर शाह जफर के काल तक आते आते तो इनका शासन केवल लाल किले तक ही सीमित देखा गया। तो इन लेटर मुगल्स के पतन के क्या कारक रहे, किस तरीके से बाकी शक्तियों के साथ इनका संघर्ष रहा, इनका संबंध कैसा रहा, इस काल में किस तरीके के आपको याद रखना है विदेशी आक्रमण देखे गए, विदेशी आक्रमण पर काफ़ी क्वेश्चन बनता है, जैसे मोटे तौर पर जो है आपका नादिर शाह का हमला हुआ है, ठीक। इसके अलावा जो है अब्दाली के हमले हुए हैं, और अब्दाली के हमलों में जो मिडिवल हिस्ट्री का भी पार्ट हो जाता है 1761 की पानीपत की तीसरी लड़ाई पर क्वेश्चन बनता है, तो ये पूछा जाता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है इसी में क्षेत्रीय राज्यों के उद्भव में अगर हम देखें तो विविध प्रकार के क्षेत्रीय राज्यों के बारे में पढ़ा जाता है। इनको मोटे तौर पर तो तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि इन्हें कहा जाता है उत्तराधिकारी राज्य, इन्हें कहा जाता है नवीन राज्य या विद्रोही राज्य, और इन्हें कहा जाता है स्वतंत्र राज्य या इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इन राज्यों की क्या उपलब्धियां रही, इन राज्यों ने किस प्रकार से अपने क्षेत्र में कायम किया, इन राज्यों ने किस तरीके से जो है अपने राज्य में शांति व्यवस्था या ऐश्वर्य साम्राज्य या फिर एनार्की टाइप का जो भी रहा हो कैसे कायम किया, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इनका अंग्रेजों के साथ सत्ता संघर्ष कैसे देखा गया, इन सभी पे क्वेश्चन आपका बनता है, और ये आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि उत्तराधिकारी राज्यों में कौन कौन है, तो इसमें अवध आता है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हैदराबाद आता है और बंगाल आता है। जो आपके नवीन राज्य हैं जिन्हें विद्रोही राज्य कहा जाता है उसमें जाट राज्य, सिख राज्य और मराठा राज्य आता है, और जो स्वतंत्र राज्य हैं उसमें त्रावणकोर आता है, विविध प्रकार के राजपूत राज्य आते हैं, और साथ ही साथ इसमें मैसूर राज्य भी शामिल किया जाता है।
कुछ छोटे राज्य और भी हैं, उनके बारे में पढ़ा जाता है, जैसे कि रुहेलखंड हो गया, फरुखाबाद आदि हो गया। इन सब का अंग्रेजों के साथ कैसा संबंध रहा, अंग्रेजों से इनका किस प्रकार का सत्ता संघर्ष हुआ, इन सभी पे क्वेश्चन आपका बनता है। जैसे कि उदाहरण आप याद कर सकते हैं, अगर मैसूर राज्य के बारे में बात करें तो इसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में बात होती है और अंग्रेज के साथ इनके चार आंग्ल मैसूर युद्ध देखने को मिलते हैं। मराठों के साथ जो अंग्रेजों का सत्ता संघर्ष हुआ उसमें तीन आंग्ल मराठा युद्ध हुए। इसके अलावा सिखों के साथ जो सत्ता संघर्ष हुआ उसमें दो आंग्ल सिख युद्ध हुए। बंगाल के साथ जो सत्ता संघर्ष हुआ उसमें प्लासी का युद्ध है। फिर उसके बाद विभिन्न शासकों का काल है जिसमें मीर जाफर, मीर कासिम, फिर उसके बाद बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि, द्वैध शासन का काल, ये सारी की सारी बातें जो हैं वो हमें क्षेत्रीय राज्यों के उद्भव और ब्रिटिशों के साथ सत्ता संघर्ष में पढ़ने को मिलता है। तो 18वीं शताब्दी में कौन कौन सी घटनाएं इंपॉर्टेंट हैं? पहला आप ध्यान रखेंगे सबसे महत्वपूर्ण यूरोपीय कंपनियों का आगमन और उनका सत्ता संघर्ष। दूसरा लेटर मुगल्स, उनकी उपलब्धियाँ, विदेशी हमले और उनके पतन के कारक। तीसरा आप याद रख सकते हैं क्षेत्रीय राज्य, उनका उद्भव, उनकी उपलब्धियां और अंग्रेजों के साथ उनका संघर्ष, विविध प्रकार के आंग्ल मराठा, आंग्ल मैसूर, आंग्ल सिख और बंगाल के साथ युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें 18 सेंचुरी में देखने को मिल रही हैं। फिर इसमें जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है कि 18वीं शताब्दी की जो पूरी एक डिबेट है, जो मिडिवल इंडिया का पार्ट रहा है, उस पर भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार मॉडर्न इंडिया में कि क्या भारत में वास्तव में अंग्रेजों का जो शासन है वो आधुनिकता का द्योतक है या औपनिवेशिक शक्ति का द्योतक है। इस पूरे डिबेट पर क्वेश्चन बनता है जो आपसे पूछा जा सकता है मॉडर्न इंडिया में। इसमें मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी की अन्य प्रकार की स्थितियाँ, जैसे कि पॉलिटिकल सिचुएशन तो ऐसी है, अन्य प्रकार की स्थिति, तो अन्य स्थितियों में क्या आ जाएगा, तो अन्य स्थितियों में आपसे पूछ सकता है उस जमाने में आर्थिक स्थिति कैसे थी, उस जमाने में सोशल कंडीशन, सामाजिक स्थिति कैसी थी, उस जमाने में धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी, उस काल में स्थापत्य कला अगर किसी तरीके का कोई विकास देखने को मिला तो वह किस प्रकार का है, इन सब पे क्वेश्चन देखने को मिलता है। और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सेगमेंट है जो आपको ध्यान रखना है, जिस पे मॉडर्न इंडिया में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आगे जो आपका टॉपिक है वो ब्रिटिश सत्ता के उत्कर्ष से जुड़ा हुआ है, ब्रिटिश सत्ता का उत्कर्ष और इनका सत्ता का उत्कर्ष और इनका सत्ता सुदृढ़ीकरण और इनका सत्ता सुदृढ़ीकरण, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य यह है कि किस तरीके से अंग्रेज धीरे धीरे जो है भारत पर अपना शासन कायम किए। इसमें मोटे तौर पर विविध प्रकार के युद्धों के बारे में पढ़ा जाता है, इसमें जो है विविध प्रकार की नीतियों के बारे में पढ़ा जाता है, इसमें विविध प्रकार के संधि और विलय के बारे में पढ़ा जाता है, और साथ ही साथ इसमें अंग्रेजों की जो विदेश नीति रही उस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि अगर युद्धों के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों ने भारत में अपने राज को कायम करने के लिए विदेशियों के साथ भी लड़ाइयाँ लड़ी और स्वदेशी ताकतों के साथ भी लड़ाइयाँ लड़ी, जैसे कि फ्रांसीसियों के साथ उनका सत्ता संघर्ष कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, मैसूर के साथ जो चार युद्ध हुए आंग्ल मैसूर सत्ता संघर्ष, मराठों के साथ तीन मराठे युद्ध हुए और सिखों के साथ दो युद्ध हुए, ये सब युद्धों में आएगा। बंगाल में अगर देखें तो प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये महत्वपूर्ण है, तो ये सारी चीज़ें युद्धों में पढ़ना है। इसके अलावा नीतियों में हम ये याद रखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने संधियों के माध्यम से, विलय की नीतियों के माध्यम से भारत पर अपना राज कायम किया। इसमें विविध प्रकार की नीतियाँ पढ़ी जाती हैं, जैसे कि इसमें द्वैध शासन के बाद जो आप अवध राज्य के बारे में पढ़ेंगे उसमें अवध के प्रति बफर राज्य की नीति अपनाई गई, वारेन हेस्टिंग के काल में यह जो है आगे बढ़ते हुए पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस हो गई,
फिर लॉर्ड विलेज अली के काल में सहायक संधि देखने को मिलती है, और फिर ये आगे आगे बढ़ते बढ़ते लॉर्ड डलहौजी के काल तक आते आते हड़प नीति में तब्दील हो जाती है, जो लगातार अंग्रेजों की बढ़ती हुई सत्ता का द्योतक है। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि इसमें सिंध का विलय और भी दूसरे क्षेत्रों का विलय, इनके बारे में पढ़ा जाता है, अवध का विलय कुछ शासन के आधार पर। इसमें विदेश नीति के बारे में पढ़ा जाता है, जिसमें नेपाल के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी, बर्मा यानी म्यांमार के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी, जो आपका भूटान का क्षेत्र है, जो आपका सिक्किम का क्षेत्र है उससे उन्होंने क्षेत्रों की प्राप्ति करी, और अफगानिस्तान के साथ उन्होंने जो है विदेश नीति का पालन किया, तिब्बत के साथ विदेश नीति का पालन किया। आप नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के बारे में याद कर सकते हैं, उसके प्रति कैसी विदेश नीति रही, अफगानिस्तान के साथ किस तरीके से सीमा रेखा का निर्धारण किया गया, इन सब चीज़ों को जो है विदेश नीति में पढ़ा जाता है, जो आपको याद रखना है। ये ब्रिटिश सत्ता के उत्कर्ष और सत्ता सुदृढ़ीकरण को दर्शाता है। फिर उसके बाद जो हमें इसमें पढ़ना है उसे एक बहुत अच्छे टर्म्स के साथ डिनोट किया गया है, एक अच्छे शब्द के साथ उसको द्योतित किया जाता है, और इसको हम ब्रिटिश राज उपकरण के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश राज उपकरण के नाम से जानते हैं, ब्रिटिश राज उपकरण। अब इसका तात्पर्य क्या है, तो आपका शेखर बंदोपाध्याय जी की एक बुक आती है, शेखर बंदोपाध्याय फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड देयर आफ्टर, उसमें जो है इन्होंने इस टर्म को यूज़ किया है। ये वास्तव में उन उपकरणों को दर्शाता है जिसके माध्यम से अंग्रेजों ने युद्ध लड़ने के बाद, संधि करने के बाद, विलय करने के बाद अपने शासन को सुदृढ़ किया, और इसको जो है उन्होंने इस तरीके से बनाया कि उसके चिन्ह आज भी हमें देखने को मिलते हैं। जो ब्रिटिश राज उपकरण है उसमें मोटे तौर पर हम न्यायिक व्यवस्था का विकास, हम इसमें जो है सेना का विकास, पुलिस का विकास और नौकरशाही का विकास, इन सब के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये सब ब्रिटिश राज उपकरण हैं जिन्होंने भारत में अंग्रेजों की सत्ता को और सुदृढ़ बनाया। हालांकि इसमें हम कुछ और भी टॉपिक्स को ऐड करेंगे जो आपको भारत में ब्रिटिश राज के नेचर को, ब्रिटिश राज की सत्ता को और बेहतर समझने में आपकी मदद करेगा। जैसे कि इसमें क्या क्या पढ़ा जाता है, तो इसमें मोटे तौर पर पढ़ा जाता है सबसे पहले तो उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और इसके चरणों के बारे में, उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद और इसके विविध चरण, उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद और इसके विविध चरण। ठीक है, जैसे कि 1757 से लेकर 1813, फिर 1813 से लेकर 1858 और फिर 1857 से लेकर 1947 इसे अलग अलग नाम से डिनोट किया जाता है, जैसे कि वित्तीय पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद, ठीक इस तरीके से वणिकवाद का काल क्या था, ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये किसमें आता है, ये साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और इसके विभिन्न चरणों के तहत। फिर उसके बाद इसमें पढ़ा जाता है मोटे तौर पर संवैधानिक विकास के बारे में, संवैधानिक विकास को जो है दो भागों में बांट के हम पढ़ेंगे, जिसमें पहला वाला जो पार्ट होगा वो 1773 से लेकर 1858 तक चलेगा, और सेकंड वाला जो पार्ट होगा वो 1858 से 1947 तक चलेगा। 1773 से लेकर 1858 के बीच का जो संवैधानिक विकास है उसकी यात्रा कुछ इस प्रकार से है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सत्ता है उस पर धीरे धीरे संसद अपनी शक्ति को बढ़ाता जाएगा, और 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि में 1858 में भारत में कंपनी का राज खत्म हो जाएगा। 1858 के बाद का जो संवैधानिक विकास है वो भारत में राष्ट्रवाद के विकास के साथ पढ़ा जाता है, जैसे जैसे भारतीयों ने मांग करी उसी के अनुरूप अंग्रेजों ने भारत में सुधार किए और ये अंततः भारत को स्वतंत्रता की तरफ ले जाएगा। तो ये संवैधानिक विकास को इस तरीके से पढ़ा जाता है। इसी में जो हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं वो है आपका गवर्नर जनरल और आपका वाइसराय, गवर्नर जनरल और आपका वाइसराय। ये कहानी आपकी पूरी शुरू होगी 1757 से और ये 1947 तक चलेगी, पूरे का पूरा जो है इसकी यात्रा है, जिसमें अलग अलग गवर्नर जनरल और वाइसराय के बारे में हमें पढ़ना है। ये कौन थे, इनकी सत्ता क्या थी, कैसे इनका विकास हुआ। जैसे कि पहले बंगाल के गवर्नर हुए,
फिर उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ, फिर भारत का गवर्नर जनरल हुआ, और फिर उसके बाद जब महारानी का शासन स्थापित हुआ तब हम एक वायसराय शब्द को देखते हैं। ये वायसराय कौन था, किस तरीके से इसका जो है संबंध रहा है, किस तरीके से इसकी शक्तियाँ हैं, कौन कौन इसमें जो है वायसराय हुए, इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। उनकी अलग अलग प्रकार की नीतियाँ और कुछ प्रमुख वायसरायस या गवर्नर जनरल आदि पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे कि वारेन हेस्टिंग पे आ सकता है, कान वालिस पे आ सकता है, विलेज अली पे आ सकता है, लॉर्ड हेस्टिंग्स पे आ सकता है, विलियम बेंटिक पे आ सकता है, इसके अलावा विदेश नीति में कहें तो ऑकलैंड की विदेश नीति आदि पे आ सकता है। ठीक, इसके अलावा जो है डलहौजी पे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, और बाद में राष्ट्रवाद के काल में तो विविध घटनाओं के संबंध में क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें लॉर्ड कर्जन आदि महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे गवर्नर जनरल, वाइसराय और बंगाल के गवर्नर आदि के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ब्रिटिश राज उपकरण में अगला जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक होगा वो किस इस प्रकार से होगा। फिर उसके बाद जो इसमें अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो आपको ध्यान रखनी है, जो हमें पढ़ना है वो है कि किस तरीके से ब्रिटिश और जो भारत में विविध प्रकार के देशी राज्य या उन्हें रियासत कहा जाता है उनके बीच का संबंध किस प्रकार का रहा। रियासत यानी ऐसे राज्य जिन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली, इसके बदले में अंग्रेजों ने राजा को बने रहने दिया, बस अंतर ये था कि अब राजा अपनी संप्रभुता के हिसाब से नहीं चलता था, उसे अंग्रेजों की पैरामाउंटेसी स्वीकार करनी थी। इस तरीके की रियासतों की संख्या भारत में 500 से अधिक थी, और जब भारत स्वतंत्र हुआ तब इन रियासतों का भारत में विलय एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इनका संबंध कैसे हुआ है, मोटे तौर पर आप कह सकते हैं 1757 से लेकर 1947 तक किस तरीके के साथ इनका संबंध अंग्रेजों के साथ रहा। पहले रियासतें मजबूत थीं, अंग्रेज कमज़ोर थे, धीरे धीरे अंग्रेज अपनी शक्ति बढ़ाते गए, रियासतें कमज़ोर होती गईं, और एक समय ऐसा आया कि अब अंग्रेज अपने हिसाब से रियासतों को चला रहे हैं। तो ये संबंध कैसे डेवलप हुआ अलग अलग चरणों में, इसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद 1947 के बाद रियासतों का विलय किस तरीके से भारत में हुआ, रियासतों का विलय या आप कह सकते हैं एकीकरण किस तरीके से भारत में हुआ, यह भी जो है आपके सिलेबस का विषय हो जाता है, जो पोस्ट मॉडर्न इंडिपेंडेंस का पार्ट है, यह भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इसके अलावा इसमें जो मोटे तौर पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है ब्रिटिश राज की आर्थिक नीति। ठीक है, ब्रिटिश राज की आर्थिक नीति, इस पे भी जो है काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं, और मान के चलिए इस पे हमेशा जो है एक से दो क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे कि इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें भू राजस्व व्यवस्था, ठीक है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जैसे कि रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, स्थायी भूमि बंदोबस्त, ठेकेदारी प्रणाली, इन सब पे क्वेश्चन आता है। इसके अलावा इसमें आप याद रख सकते हैं मोटे तौर पर उसे कहते हैं कृषि का वाणिज्यीकरण, ठीक है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सामान्य तौर पर तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज़ अ वेलकम स्टेप, मतलब एक स्वागत करने योग्य बात है, लेकिन भारत में स्थिति इस तरीके से रही कि कृषि वाणिज्यीकरण एक आप कह सकते हैं लाद दिए जाने वाली प्रक्रिया थी, और ये जो है अंग्रेजों का भला नहीं कर सकी, और इसके परिणाम विभिन्न प्रकार के विद्रोह में देखे गए, जैसे कि नील विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, ये सब इसके उदाहरण हैं। इसके अलावा इसमें पढ़ा जाता है मोटे तौर पर उसे कहते हैं भारत में हस्तशिल्प विनाश, या इसे जो है कहा जाता है, इसे कहा जाता है अनौद्योगीकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि भारत के जो पारंपरिक उद्योग थे, ठीक है, जिन्हें कुटीर उद्योग कहा जा सकता है, हस्त कुटीर उद्योग कहा जा सकता है, वो सब अंग्रेजों ने क्या कर दिए, ठीक है, वो सब अंग्रेजों ने ख़त्म कर दिए। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ग्रामीणीकरण भी हुआ, यानी कृषि अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ, और भारत में जो ज़मीनें हुआ करती थी उन सब ज़मीनों पर जो है प्रेशर बढ़ने लगा, इससे उत्पादन भी कम हुआ, उत्पादकता भी प्रभावित हुई, और इससे जो है उसे कहा जाता है कि गरीबी का विस्तार हुआ, अकालों की बारंबारता देखी गई, ये सब जो है आर्थिक नीतियों में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अनौद्योगीकरण, यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन।
इसमें कुछ अन्य प्रभाव भी आप नोट कर सकते हैं, अन्य प्रभाव भी आप याद कर सकते हैं जिसके बारे में हमें मोटे तौर पर इसमें पढ़ना है। और इसमें रेगुलरली क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्या आता है, रेगुलरली क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आर्थिक नीति में कुछ और भी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि इसमें अकाल, ठीक, जैसे कि इसमें गरीबी, जैसे कि इसमें हमने आपको बताया मोटे तौर पर से कहते हैं एक तरीके से उसे बोला जाता है अकाल। इसके अलावा आर्थिक नीति में आपको पढ़ना है गरीबी, इसके अलावा विशेष रूप से लॉर्ड डलहौजी के काल के बाद किस तरीके से रेलवे का विस्तार हुआ। ठीक है, जो रेलवे का विस्तार हुआ उससे क्या नकारात्मकता देखी गई, क्या इसके नकारात्मक प्रभाव हुए, जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, ब्रिटिश औद्योगिक नीतियाँ थी, वो किस तरीके से भारत को, आप कह सकते हैं एक तरीके से कहा जाता है, जिसको बोला जाता है कि भारत को एक ऐसे हब के रूप में इस्तेमाल किया गया जिससे भारत के रिसोर्सेज का इस्तेमाल ब्रिटेन के हित के लिए हुआ। भारत के बाज़ारों को इस तरीके से खोला गया कि ब्रिटिश उत्पाद जो है भारत में खपने लगे। तो ये एक तरफा मुक्त व्यापार की जो नीति थी ये भारत के लिए बहुत ख़राब साबित हुई, जिसको हमें ब्रिटिश औद्योगिक नीति के तहत पढ़ना है। इसी में एक और पर्टिकुलर टर्म के बारे में पढ़ा जाता है जिसे कहा जाता है धन की निकासी, ड्रेन ऑफ वेल्थ। इसकी जो व्याख्या है वह राष्ट्रवादी काल में हुई, जिसमें कांग्रेस के जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी उदारवादी नेता थे जैसे कि दादा भाई नौरोजी, दिनशा वाचा और आपके और भी दूसरे जैसे कि दूसरे जो है आर सी दत्त वगैरह, उन सब ने इसकी बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या की। इवन ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में दादा भाई नौरोजी आदि ने इसमें पुस्तकें भी लिखी, पेपर्स भी लिखे, भाषण भी दिए और ड्रेन ऑफ वेल्थ को सिद्धांतों के माध्यम से बताया, आंकड़ों के माध्यम से बताया कि इसमें किस तरीके से विकास देखने को मिलता है। तो ये सारी की सारी बातें जो है हमें पढ़नी है मोटे तौर पर आर्थिक नीति के तहत। इसके अलावा इसमें कुछ और महत्वपूर्ण विशेषताएं भी आपको याद रखनी है जो पूछा जा सकता है, जैसे कि इसमें भारत में प्रेस और शिक्षा का विकास, भारत में प्रेस और शिक्षा का विकास किस तरीके से हुआ, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। शुरुआत में जो इसका विकास हुआ वो ब्रिटिशों ने अपने औद्योगिक आवश्यकताओं या औपनिवेशिक आवश्यकताओं के अनुसार करने का प्रयास किया, लेकिन बाद में इसका भारत पर सकारात्मक प्रभाव ये देखा गया कि इससे भारत में राष्ट्रवाद की प्रगति देखने को मिलती है। तो ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट हमारा सेगमेंट है जिससे क्वेश्चन पूछने को देखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें और कौन कौन से टॉपिक्स आपको ध्यान रखने हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। इसे कहते हैं ब्रिटिश राज के प्रति, ब्रिटिश राज के प्रति अनुक्रिया प्रतिक्रिया, ब्रिटिश राज के प्रति अनुक्रिया प्रतिक्रिया, इसे अंग्रेजी में कहेंगे रेस्पॉन्स और रिएक्शन। यानी जब भारत में अंग्रेजी राज स्थापित हुआ तो कुछ को लगा कि हमारे हित में है तो चलो इससे फ़ायदा उठाते हैं, कुछ को लगा या बहुतों को लगा कि हमारे हित में नहीं है तो उन्होंने इसका रिएक्ट किया, नेगेटिव रिस्पॉन्स किया। और इसके उदाहरण दो मोटे हेड्स में पढ़े जाते हैं, जैसे कि पहला जो पढ़ा जाता है उसे कहा जाता है 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। और जो सेकंड जो इसका एग्जाम्पल है वो विविध प्रकार के विद्रोह के रूप में देखने को मिलते हैं, जिसकी अल्टीमेट जो उदाहरण है वो आपका 1857 की क्रांति है। मतलब बहुत सिंपल है, सिंपल क्या है कि भारत में जब अंग्रेजी राज स्थापित हुआ तो कई सारे लोगों ने, जो अंग्रेजी पढ़ा लिखा वर्ग था, आप कह सकते हैं उच्च मध्यम वर्ग था, उसने अंग्रेजी राज को भारत के लिए एक वरदान के रूप में देखा, अंग्रेजी राज से सीखने की बात की और भारतीय समाज में बदलाव लाने की पहल की। इसे 19वीं सेंचुरी के सोशियो रिलीजियस मूवमेंट बोलते हैं, जिसमें राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और इसी तरीके के बहुत सारे आप कह सकते हैं विद्वान हुए, जिन्होंने ब्रिटिश मानकों से प्रेरणा लेकर भारत में बदलाव की बात कही। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिन्हें अंग्रेजों का शासन पसंद नहीं था, उन्होंने इसका नेगेटिव रिस्पॉन्स किया, रिएक्ट किया। और इसके उदाहरण क्या हैं, तो नागरिक विद्रोह हैं, किसानों के विद्रोह हैं, इन विद्रोहों में भी कई सारे चरण देखने को मिलते हैं, जनजातीय विद्रोह हैं, धार्मिक प्रकृति के विद्रोह हैं,
उत्तर भारत के, दक्षिण भारत के विद्रोह हैं, सैनिक विद्रोह हैं, और इन सब का आप कह सकते हैं कल्मिनेशन है आपका 1857 की क्रांति, जिसने सभी तत्वों को एक साथ ला दिया। और भले ही ये भारत में अंग्रेजी राज को ख़त्म करने में सक्षम ना रहा हो, लेकिन इसका आज भी एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इसके कारण क्या रहे, परिणाम क्या रहा, इसका स्वरूप क्या था, कौन कौन से प्रमुख नेता थे, किस तरीके से इसका प्रसार हुआ, इन सब पे महत्वपूर्ण रूप से क्वेश्चन बनता है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद की जो पुरानी आपकी यात्रा है, जो मॉडर्न इंडिया की इसके बाद की जो यात्रा है, वो आपको नेशनल मूवमेंट या फिर एक तरीके से कहा जाता है भारत में राष्ट्रवाद की प्रगति, भारत में राष्ट्रवाद और उसकी प्रगति, इस हेड के तहत इसको पढ़ा जाता है। और ये मोटे तौर पर जो भारत में इतिहास है, वो भारत में आखिरी 100 साल या 90 साल का इतिहास है। इसको कई चरणों में बांट के पढ़ा जाता है, जो 1858 से लेकर 1947 की यात्रा को दर्शाता है। जैसे कि इसमें जो वर्णन किया जाता है 1858 से लेकर 1885, ये मोटे तौर पर भारत में पूर्व राष्ट्रवाद, ये मोटे तौर पर भारत में पूर्व राष्ट्रवाद या आद्य राष्ट्रवाद का काल है, पूर्व राष्ट्रवाद या आद्य राष्ट्रवाद का काल है। इस काल में जो भारत के प्रेसिडेंसी टाउन्स थे, जैसे कि बम्बई हो गया, कलकत्ता हो गया, आपका मद्रास हो गया, वहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बनने लगे। ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन अपनी मांगों को सामने रखने लगे और धीरे 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 करते हुए उनमें ब्रिटिश राज के दुष्प्रभावों के प्रति चेतना उत्पन्न हुई, और ये चेतना बाद में राजनीतिक चेतना के रूप में दिखाई दी। और इसका कल्मिनेशन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के रूप में देखने को मिलता है। तो अगला जो चरण देखने को मिलता है वह है हमारा 1885 से 1905 का काल, जो कांग्रेस की स्थापना का काल है, कांग्रेस स्थापना का काल है, और इसे कांग्रेस की स्थापना का उदारवादी चरण कहते हैं। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना का उदारवादी चरण कहते हैं। इसमें कांग्रेस की स्थापना, उससे संबंधित मिथक, उससे संबंधित नेता, उनके द्वारा दी गई थ्योरी, उनसे संबंध में कार्य करने के तरीके, इस प्रकार के नेताओं का सामाजिक पृष्ठभूमि, इन सब पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इस काल के जो नेता थे वो मोटे तौर पर भारत में अंग्रेजों के राज को पूरी तरीके से ख़त्म करने के पक्ष में नहीं थे। वो भारत में अंग्रेजों के शासन को अच्छा मानते थे, लेकिन वो यह भी मानते थे कि भारतीयों को जो है राजनीतिक प्रशिक्षण देते हुए हमें एक ऐसी स्थिति में पहुंचना है जब हम सेल्फ रूल की तरफ जा सकें, स्वशासन की तरफ जा सकें, और ये क्रमिक प्रगति में विश्वास करने वाले नेता थे। इनका जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ा जो योगदान रहा है, उसे हम आर्थिक राष्ट्रवाद के तौर पर जानते हैं। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है आर्थिक राष्ट्रवाद, इकोनॉमिक नेशनलिज्म। इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन द सेंस, इस काल के जो उदारवादी नेता थे जैसे कि दादाभाई नौरोजी और उनसे संबंधित दूसरे व्यक्तित्व, उन्होंने बाकायदा सिद्धांतों के माध्यम से, थ्योरीज के माध्यम से, थीसिस के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से इस बात को समझाया कि किस तरीके से भारत का शोषण हो रहा है, धन की निकासी हो रही है, और इसका मॉडस ऑपरेंडी क्या है। तो भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद, यानी लोगों को आपस में जोड़ने का आर्थिक तौर तरीका विकसित करने का श्रेय किसको जाता है, तो कांग्रेस के इन प्रारंभिक नेताओं को जाता है। इन सब से संबंधित घटनाक्रम आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद का जो काल है वो आपका 1905 से लेकर 1915 के बीच का काल है। इस काल में मोटे तौर पर क्या हुए, तो ये कांग्रेस का एक तरीके से आप कह सकते हैं यह उग्रवादी चरण है। इस काल में जो नेता देखने को मिले वो ऐसे नेता हैं जो अब उदारवादी नेताओं के समान कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए, अपनी मांगों को सामने रखने के लिए वह उग्रवादी तरीकों को भी अपनाने से पीछे नहीं हटते। जैसे कि इसका जो आप कह सकते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण तात्कालिक कारक रहा, वह 1905 में मोटे तौर पर बंगाल का विभाजन था। बंगाल के विभाजन के बाद जो राष्ट्रीय चेतना देखने को मिली वो किस उदाहरण के रूप में देखने को मिली, तो वो उदाहरण देखने को मिली मोटे तौर पर स्वदेशी और बहिष्कार मूवमेंट के रूप में। फिर धीरे धीरे जो है कहानी आगे बढ़ेगी, जिसमें मोटे तौर पर हम स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के बाद किस तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन की दशो दिशा देखी गई, उन सब का हम इसमें अध्ययन करेंगे।
फिर उसके बाद जो है ये काल आगे बढ़ता हुआ आपका जाएगा फाइनली 1915 से 1947 के दौर में, जिसे गांधीवादी चरण कहते हैं। ठीक है, गांधीवादी चरण कहते हैं, या कई इतिहासकार इसको गांधीवाद के नाम से भी जानते हैं। इसमें मोटे तौर पर गांधी जी के बारे में और उनके द्वारा चलाए गए आंदोलनों के बारे में और इस काल के राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न उदाहरण पूछे जाते हैं, जिसमें गांधी जी के चाहे प्रारंभिक आंदोलन रहे हों, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा या रोलेट सत्याग्रह। इसके अलावा इसमें बड़े आंदोलन, असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो, गांधी जी का तौर तरीका, गांधी जी का सत्य अहिंसा सत्याग्रह का सिद्धांत, गांधी जी के काम करने के तरीके के साथ जनता का उनका जुड़ाव, जनता में उनकी लोकप्रियता के कारक, कांग्रेस पर जो है उनकी पकड़ और उससे संबंधित वाद विवाद, और विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय आंदोलन की दशो दिशा और इससे संबंधित तौर तरीकों पर पूछा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध की प्रगति कैसे रही, द्वितीय विश्व युद्ध की प्रगति कैसे रही, इसमें जो है किस तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन पर इसका प्रभाव देखा गया, राष्ट्रीय आंदोलन पर जो इसका प्रभाव देखा गया उसने कैसे संवैधानिक विकास को जन्म दिया, ये किस तरीके से भारत को अल्टीमेटली स्वतंत्रता की तरफ ले जाएगा और किस तरीके से भारत को स्वतंत्रता के साथ विभाजन को झेलना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ी जाती हैं। इसके अलावा इसमें आपको और कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, तो इसमें जो है अगले जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो राष्ट्रीय आंदोलन की अन्य धाराओं पे पूछा जाता है। इसे क्या कहते हैं, इसे शेखर बंदोपाध्याय के द्वारा मैनी वॉइसेस ऑफ द नेशन के नाम से बताया गया है और इस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें मोटे तौर पर इस बात को तर्क दिया जाता है, इस बात का तर्क दिया जाता है कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की धारा केवल कांग्रेस लेड नहीं थी, बल्कि इसके समानांतर कई सारी धाराएं चल रही थी। जैसे कि इसमें मोटे तौर पर जो है आप कह सकते हैं दलित आंदोलन की धारा में बात की जाती है, ठीक है, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और दूसरे प्रकार के आंदोलन। इसमें मोटे तौर पर स्त्रीवादी आंदोलन यानी स्त्रियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की सीमाएं या उपलब्धियों पर क्वेश्चन आता है। इसमें मोटे तौर पर जो है भारत में समाजवाद की प्रगति, समाजवाद, साम्यवाद, श्रमिक आंदोलन और इसकी प्रगति, इससे जुड़े नेता, जिसमें कांग्रेस पर इसका प्रभाव, इससे जुड़े दूसरे नेताओं का विचार, चाहे उसमें नेहरू हों, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे इसमें दूसरे आप कह सकते हैं उग्रवादी नेता हों, समाजवादी नेता हों, साम्यवादी नेता हों, ट्रेड यूनियन वाले नेता हों, इन सब पे जो है क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये मैनी वॉइसेस ऑफ द नेशन के कुछ उदाहरण हैं जो आपको ध्यान रखना है। इसमें मोटे तौर पर हमें सांप्रदायिकता ठीक है, अलगाववाद की राजनीति, सांप्रदायिकता अलगाववाद की राजनीति और भारत के विभाजन के साथ इसका संबंध इन सब पे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मुस्लिम लीग की राजनीति, उसका विकास, अंग्रेजों के साथ उसका संबंध, कांग्रेस के साथ उसका संबंध, हिंदू महासभा की राजनीति और किस तरीके से दोनों राजनीतियां, तीनों राजनीतियां मिलकर भारत को स्वतंत्रता के साथ विभाजन की तरफ ले गई, सांप्रदायिक दंगों की तरफ ले गई, इन सब पे क्वेश्चन बनता है जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एरिया है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको ध्यान रखने हैं। फिर उसके बाद जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पोस्ट मॉडर्न इंडिपेंडेंस से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं, तो स्वतंत्रता पश्चात भारत में मोटे तौर पर जो आपके प्रारंभिक प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू और उनकी विविध नीतियों पे क्वेश्चन बनता है, जिसमें उनकी विदेश नीति हो सकती है, ठीक, उनकी जनजातीय नीति हो सकती है, ठीक, उनकी रियासतों के प्रति व्यवहार या रियासत नीति हो सकती है, उस समय की राष्ट्रीय आप कह सकते हैं राजनीति, ठीक है, निर्वाचन, राजनीतिक दल, राजनीतिक
दल। ठीक, आगे चलकर हम देखेंगे तो दलित, पिछड़ा और आपका याद रख सकते हैं जनजातीय राजनीति या इनकी विकास की दशा, इन सब पे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ और भी कुछ इम्पॉर्टेंट बर्निंग टॉपिक्स हैं जिस पे लगातार यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। जैसे कि इसमें आप कुछ टॉपिक्स याद रख सकते हैं, जैसे कि इसमें जो है रियासत विलय, राज्य पुनर्गठन भाषाई आधार पर, यानी भाषाई आधार पर हो नहीं हो, कैसा रहा ये। इसके अलावा इसमें जो है मोटे तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है सामाजिक आर्थिक विकास, जैसे कि पंचवर्षीय योजना और उसकी प्रगति, भारत में जो बाद में आप एक तरीके से कह सकते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, उसकी प्रगति भारत पर उसका कैसा प्रभाव रहा। और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो आप ध्यान रखेंगे, भारत में भाषा का प्रश्न कैसा रहा, पूर्वोत्तर की समस्या कैसे देखने को मिली, इन सब पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब एक बार हम क्या करेंगे, तो एक बार हम सिलेबस को आपको दिखा देते हैं। जितने टॉपिक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए वो सारे के सारे टॉपिक जो हैं आप देखेंगे कि सिलेबस में दिया हुआ है। अगर आप इसको बेहतरीन तरीके से, महत्वपूर्ण तरीके से याद रखते हैं तो काफ़ी आसानी से इस सिलेबस को याद कर सकते हैं। जैसे कि देखिए प्रश्न पत्र 2 में आधुनिक भारत का सिलेबस कैसे है, तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश, यूरोपीय बस्तियाँ, पुर्तगाली डच, अंग्रेज फ्रांसीसी कंपनियाँ, आधिपत्य के उनके युद्ध, कर्नाटक युद्ध, अंग्रेज और बंगाल किस तरीके से लड़े, इनके बीच संघर्ष, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम और इनकी नीति, प्लासी का युद्ध और इसका महत्व, फिर कैसे प्रसार हुआ बंगाल में, मीर जाफर, मीर कासिम, बक्सर का युद्ध, मैसूर, मराठा और अंग्रेजों के साथ इनके युद्ध, पंजाब के साथ इनका युद्ध, फिर उसके बाद ब्रिटिश राज की प्रारंभिक संरचना, प्रशासनिक संरचना, द्वैध शासन, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स का इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, ये सब किसमें, संवैधानिक विकास में, मुक्त व्यापार, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का स्वरूप जिसमें 3 औपनिवेशिक व्यवस्थाएं, उपयोगितावादी ये कौन थे, कैसे सुधारवादी की तरफ जा रहे थे, इनके आर्थिक प्रभाव सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसमें भू राजस्व व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, राजस्व प्रबंध का आर्थिक प्रभाव कैसा रहा किसानों के ऊपर, जमींदारों के ऊपर, कृषि का वाणिज्यीकरण, कृषि श्रमिक जो भूमिहीन तरीके से उदित हुए उनका प्रभाव क्या रहा, ग्रामीण समाज में गरीबी का विस्तार कैसे हुआ, पारंपरिक व्यापार वाणिज्य का विस्थापन यानी अनौद्योगिकरण की प्रक्रिया कैसे जुड़ी हुई है ब्रिटिश शासन से, शिल्प की अवनति हो रही है, धन का अपव्यय हो रहा है मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, आर्थिक रूपांतरण हो रहा है कृषि प्रधान देश के रूप में, जो भारत में टेलीग्राफ, डाक सेवाएं, रेलवे, इनका संचार जाल कैसे जो है भारत को प्रभावित कर रहा है, सकारात्मक नकारात्मक, भीतरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रभाव क्या दिख रहा है, अकाल की प्रवृत्ति कैसी है, व्यापार का क्या सीमा देखने को मिल रही है भारत में। ठीक, इसके अलावा इसमें जो है सामाजिक सांस्कृतिक विकास, शिक्षा की स्थिति, इसका विस्थापन, प्राच्यवादी आंग्लवादी विवाद शिक्षा के विकास में पढ़ते हैं, पश्चिमी शिक्षा का प्रारंभ कैसे हुआ, प्रेस साहित्य का उदय इसने कैसे भारत पर प्रभाव डाला, मातृभाषा साहित्य, विज्ञान की प्रगति, क्रिश्चियन मिशनरी की क्रियाकलाप, सकारात्मक नकारात्मक सब, ये सब पूछा जाता है। इसके अलावा बंगाल और दूसरे क्षेत्रों में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज और उसका आंदोलन, देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वरचंद विद्यासागर, यंग बंगाल मूवमेंट, दयानंद सरस्वती, सती, विधवा विवाह, बाल विवाह, सामाजिक सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण की प्रगति कैसे रही, इस्लामी रिवाइवलिज्म कैसे देखने को मिलता है, फरैजी आंदोलन, बहावी आंदोलन, इन सब पे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर सकारात्मक अनुक्रिया या फिर नकारात्मक आप कह सकते हैं अनुक्रिया कैसे रही, तो रंगपुर ढींग, कोल विद्रोह, मोपला विद्रोह, संथाल हूल, नील विद्रोह, दक्कन विद्रोह या दक्कन विक्लब भी कहते हैं उसे, मुंडा उलगुलान, ये सब पे क्वेश्चन पूछा जाता है जो किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन आदि से संबंधित हैं। इसी का जो कल्मिनेशन है 1857 के विद्रोह में दिखता है, उसका उद्भव कैसे हुआ, स्वरूप क्या था, असफलता के कारण क्या थे, 1857 के बाद कैसे बदलाव हुए किसान आंदोलनों ने, इसमें दशा कैसे बदली, फिर आगे चलकर इसमें किसान आंदोलन कैसे देखे गए, इन सब पे क्वेश्चन आता है।
फिर उसके बाद जो इसमें क्वेश्चन आता है वो भारतीय राष्ट्रवाद के जन्म और इसके विकास पर आता है, जिसमें प्रारंभिक जो राजनीतिक संघ थे उनकी राजनीति कैसी रही, कांग्रेस की बुनियाद कैसी रही, सेफ्टी वॉल्व का थ्योरी क्या है, कार्यक्रम और लक्ष्य क्या हैं, प्रारंभिक कांग्रेसी नेतृत्व की सोशल स्ट्रक्चर कैसा रहा, इसमें गरम दल नरम दल की भूमिका क्या है, बंगाल के विभाजन ने कैसे उग्रवाद को बढ़ाया, स्वदेशी आंदोलन इसके प्रभाव और क्रांतिकारी उग्रवाद जिसको क्रांतिकारी आंदोलन भी कहते हैं इसका किस तरीके से प्रभाव देखने को मिला, फिर गांधी के ऊपर इनके पूरी राजनीति के ऊपर राष्ट्रवाद का इनका स्वरूप कैसा था, इनके जनाकर्षण को कैसे देख सकते हैं, रोलेट सत्याग्रह, खिलाफत, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, राष्ट्रीय राजनीति, फिर उसके चरण, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, गोलमेज सम्मेलन, राष्ट्रवाद और किसान आंदोलन, ठीक, श्रमिक वर्ग आंदोलन, महिला, युवा और इनकी राजनीति में भूमिका, 1937 का इलेक्शन, मंत्रालयों का गठन, संवैधानिक विकास, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, वेवल योजना, कैबिनेट मिशन और फिर उसके बाद संवैधानिक घटनाक्रम, ये चीज़ याद रखेंगे। फिर उसके बाद जो है इसके कुछ अन्य प्रवृत्तियों पे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि क्रांतिकारी आंदोलन, बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, यूपी, एमपी, भारत के बाहर, कांग्रेस के अंदर वाम पक्ष, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरे वाम दल। फिर उसके बाद इसमें आता है अलगाववाद की राजनीति, लीग, हिंदू महासभा, सांप्रदायिकता, विभाजन, सत्ता हस्तांतरण, ठीक। फिर पोस्ट मॉडर्न इंडिपेंडेंस, इसमें नेहरू की विदेश नीति, पड़ोसियों के साथ संबंध, भाषाई पुनर्गठन, क्षेत्रीयतावाद, रियासतों का एकीकरण, निर्वाचन राजनीति, राष्ट्रीय भाषा का प्रश्न, फिर उसके बाद जाति की भूमिका, निर्जाति की भूमिका, पूर्वोत्तर की समस्या, दलित आंदोलन, आर्थिक विकास, भूमि सुधार, नियोजन, ग्रामीण पुनर्संरचना और औपनिवेशिक भारत में पारिस्थितिकी, पर्यावरण नीति और विज्ञान की तरक्की आदि पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी बहुत डायनेमिक आप कह सकते हैं यह सिलेबस है, इसका पूरा का पूरा 100% अलाइनमेंट जो है वो जनरल स्टडीज़ के साथ है, और यदि आप मॉडर्न इंडिया और पोस्ट मॉडर्न इंडिपेंडेंस को अच्छी तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से मॉडर्न इंडिया संबंधित जो आपके जीएस के, पीटी और मेंस के क्वेश्चंस हैं वो भी कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमने आधुनिक भारत से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण डिटेल्स आपके साथ डिस्कस की। नेक्स्ट चैप्टर में यानी नेक्स्ट टॉपिक में हम विश्व इतिहास पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।